नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, पहली जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि ओमान से 100 यात्रियों को जहाज में चढ़ने से मना कर दिया गया, वो भी वंदे भारत मिशन की फ्लाइटों में, क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही जुर्माने की राशि बाकी थी और वो लोग उसको भुगतान नहीं किए थे। इसके लिए उनको ऑप्शन दिया गया एयरपोर्ट पर ही कि आप इसका भुगतान अभी करेंगे, भुगतान कीजिए और बोर्डिंग कीजिए, लेकिन उतने पैसों का उनके पास व्यवस्था नहीं था। वो लोग भुगतान एयरपोर्ट पे नहीं कर पाए और उनको बोर्डिंग करने से मना कर दिया गया। मस्कट के जो भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने बताया कि जुर्माना ही एक कारण नहीं है इनको जो बोर्डिंग करने से रोका गया है, इनके ऊपर कुछ और भी जो कानूनी मामले थे, वो चाहे जनशक्ति के मामले हों या फिर कुछ और कानूनी समस्याएँ इनके ऊपर अदालतों में लंबित थी, उनको छोड़ कर के ये इंडिया वापस आ रहे थे, तो इसके लिए भी कुछ लोगों को रोका गया है। टोटल जो संख्या 100 भारतीय नागरिक हैं जिनको फ्लाइटों में चढ़ने से रोक दिया गया है एयरपोर्ट पे। जो शिक्षा मंत्रालय है वो ये नहीं चाहता है कि हम कोई भी फैसला बच्चों पर थोपें, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो गार्जियन हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनसे उन्होंने फीडबैक लिया कि कौन कौन से उपाय पे आप ज़्यादा खुश हैं और कौन से उपाय से आप ज़्यादा संतुष्ट होंगे कि कैसे आपके बच्चों को पढ़ाया जाए, वो चाहे ऑनलाइन पढ़ाने की बात हो या क्लास में जो बच्चों की जो संख्या है उसको कम करने की बात हो। फ्रेंड्स, इस पे ऑनलाइन सर्वे किया गया है और उसके आधार पर अब मंत्रालय उस पे अपना फैसला सुनाएगा जो अभी आना बाकी है। अब बात कर लेते हैं वंदे भारत मिशन की। जी हाँ, जो लोग ओमान से अभी भी आना चाहते हैं अपने देश, उनके लिए एक और खुशखबरी है कि और भी फ्लाइटें लगातार ओमान से इंडिया के अलग अलग शहरों के लिए जोड़ी जा रही हैं। जी हाँ, हमारी लिस्ट में आप देख सकते हैं, आप जिस भी शहर में आप जाना चाहते हैं वहाँ के लिए आप फ्लाइटें अवेलेबल हैं। आप फॉर्म भरिए, आप एयर इंडिया के ऑफिस में जा कर के पता कर सकते हैं टिकट के बारे में, जिन लोगों की जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई होगी उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं, साथ में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।